धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पाली जिले के जवाई बांध निवासी महेंद्र कुमार टीमाराम जी मीना मेडिकल कॉलेज सिरोही से संबंध जिला अस्पताल में कल सिलिकोसिस वार्ड में भर्ती हुआ। उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे साथ थे, जिसमें छोटा बच्चा 28 दिन का था। रात को माँ 12 बजे दूध पिला करके सो गई और कोई पेशेंट बाद में वार्ड का गेट खुला छोड़कर निकल गया तो बच्चे को कुत्ते उठा के ले गए, 28 दिन के बच्चे को। और माननीय सभापति महोदय, जब वो माँ उठी तो उसे देखा बच्चा नहीं है, तब उसे शोर किया और सबको इकट्ठा किया तो बाहर देखा तो कुत्ता उसकी गर्दन को अलग कर चुका था। हृदय विदारक घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करूंगा, इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और पीड़ित उसकी माँ को सरकारी नौकरी दें और 10 लाख रुपए मुआवजा दें। धन्यवाद। माननीय सदस्य ने कही है, मैं भी उसका पुरजोर समर्थन कर रहा हूँ। ये राइट टू हेल्थ की बात करने वाली सरकार का ये मंजर देख मन कांप उठता है। आप हिदायत दीजिए इनको, आज उनसे पीड़ितों से बात करें, घटना की उच्च स्तरीय जांच करें और मुआवजा दें उसको कम से कम 10 लाख रुपए। श्री बलवान पुनिया, ये अभी जो चल रहा है वो होम पे डिमांड चल रही है, चिकित्सा पे कल है, तो चिकित्सा पे आप ये बात उठाते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं दिला में मेरा ध्यान आ गया, लेकिन चिकित्सा पे बात, चिकित्सा के आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ चिकित्सा के डिमांड पे बात, चिकित्सा से लेना देना नहीं। आपकी चौकी भी वहां लगी हुई है, आपकी पुलिस की चौकी भी वहां लगी हुई है, पुलिस की चौकी भी है वहां हॉस्पिटल के अंदर। प्लीज प्लीज बैठिए, आपको खुद को आगे बढ़कर के कहना चाहिए कि हम अभी मुख्यमंत्री से बात करके घोषणा करते हैं। आप कल के लिए कह रहे हैं माननीय सदस्य नोटिस में, अरे खुद का बच्चा जाए तो पता चलता है, दूसरों का बच्चा जाए तो पता नहीं चलता है। आ गया सरकार के, प्लीज बैठिए। श्री बलवान पुनिया, सभापति महोदय, एक बाप मानवता कहीं बची है, मानवता सिर रही है इससे। बैठिए प्लीज।